नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में भारत सरकार की तरफ से लगातार अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। इसी बीच अफगानिस्तान में फंसी हीना नाम की लड़की ने परिजन ने अब जो कि कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हीना ने साल 2013 में मुंबई में रहते हुए अफगान निवासी मोहम्मद गनी से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद मोहम्मद गनी हीना को लेकर अफगानिस्तान चला गया था। वहीं हीना ने भी अफगानिस्तान से फोन कर अपनी माँ को अफगानिस्तान में उनके साथ हो रहे अत्याचार की पूरी दास्तान सुनाई। वहीं हीना की माँ का कहना है कि शादी के बाद हीना के पति ने उसको अफगानिस्तान में बेच दिया था और मोहम्मद गनी अफगानिस्तान छोड़कर खुद मुंबई में रह रहा था। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर हीना नाम की एक लड़की के परिजन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के एक नागरिक से साल 2013 में हीना ने शादी कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों ही जाकर अफगानिस्तान रहने लगे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद से हीना ने फोन कर अपने परिवार को अपने साथ हो रही जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद से अब परिजन जो हैं वो परेशान हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी से वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपने साथ हो रहे अत्याचार की पूरी दास्तान हीना ने अपने परिवार को बताई थी। वहीं परिवार का ये आरोप है कि हीना ने जिस शख्स से शादी की थी, मोहम्मद गनी नाम का वो शख्स है, उसने हीना को अफगानिस्तान में बेच दिया था और उसके बाद वो खुद मुंबई लौट आया था जहाँ पर वो रह रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अब वो गुहार लगा रहे हैं कि वो हीना की मदद करें और उसे जल्द से जल्द भारत वापस ले आए। देखिए, बाबूपुरा थाना के अंतर्गत बगाही में हीना खान एक भारतीय नागरिक है जो कि इस वक्त काबुल के करीब 80 किलोमीटर दूर एक झुरमुट नामक एक जगह है, वहां पर फंसी हुई है। उनके दस्तावेज़ 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे, तो हमें ये वास्तविकता पता लगानी थी कि वाकई में उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, किस तरह से फंसी हुई हैं। तो उनकी माताजी समीरुन्निसा के पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपनी लोकेशन बताई। इस संबंध में हमने DCP साउथ रवीना त्यागी जी के कार्यालय में सूचना दी, विदेश मंत्रालय को अवगत कराया और विदेश मंत्रालय के काबुल रेस्क्यू टीम जो है उसके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर इनकी पूरी डिटेल फॉरवर्ड करी और इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। अरे अपनी लड़की के लिए कि हमारी बेटी आ जाए, रोती है वहाँ। कहाँ है आपकी बेटी? अफगानिस्तान में। कैसे गई थी अफगानिस्तान? अब वो जो है वहाँ काम करती थी मुंबई में, वहाँ से उसका इलेक्शन हो गया है, वो लेके चला गया। शादी करके ले गया था, कैसे ले गया था? अब ये बताता था कि हमने शादी कर लिया। कितने दिन हो गए हुए? 2013 में गई है। अब क्या कह रहे हैं, क्या फोन आया, क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी ये हुई कि हमारी बेटी को जो है वो वहाँ छोड़ दिया, कह रहा है यहाँ नहीं लेके आएंगे। बेटी से बात हो रही है आपकी? हाँ, बात होती है। बेटी ये कहती है कि हमको बुला लो। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या ये पूरा मामला है? जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला बाबूपुरा थाने का है, जहाँ एक परिवार रहता था, उसकी बेटी मुंबई में किसी गलती के साथ ट्रेन पर ग्राम रहती थी, उसके बाद वो अफगानिस्तान चले गए थे। उसके बाद वो फंसी और उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। जी जी नितिन, लेकिन देखिए, एक तरफ ये जानकारी मिल रही है कि वो अपनी मर्जी से शादी उसने की थी हीना ने और उसके बाद वो दोनों ही अफगानिस्तान रह रहे थे, लेकिन अब परिवार जो है, हीना की माँ जो है, उन लोगों का ये आरोप है कि नितिन ने उसको अफगानिस्तान में बेच दिया था। आखिर ये पूरा मामला है क्या? जी नितिन, और अब जो है परिवार वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, क्या अब तक किसी से प्रशासन से बात हो पाई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद अभी तक कानपुर को भी अलग पहुंचा नहीं है, जल्द ही उसके बाद की सुनवाई की जाएगी। जी
जी बिल्कुल, और ऐसे में परिवार जो है वो लगातार हिना के संपर्क में है, क्या कुछ हिना की तरफ से वहां के बारे में जानकारी दी जा रही है? और हिना वहां पर रहती है तो वो क्या कोई नौकरी करती है या फिर सिर्फ घर में वो रहती है? देखिए अगला हिना की माँ अभी कुछ मीडिया से बात करने में घबरा रही है, सामने वाले घबरा रही है, लेकिन जब तक कोई भी आला अधिकारी उनके पास पहुंचे जो आपसे नहीं देता कर्तव्य मीडिया से बात करने में रही है। जी चलिए नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर हिना नाम की लड़की के परिवार वाले जो हैं परेशान हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं और लगातार अफगानिस्तान में फंसे होने के बाद वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को वापस भारत लाया जा सके। 2013 में उनकी बेटी ने हिना ने एक अफगानिस्तान के नागरिक से शादी की थी जिसके बाद दोनों अफगानिस्तान चले गए थे। हालांकि परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि उसने मोहम्मद गनी ने उनकी बेटी को वहां पर जाकर बेच दिया था। पीलीभीत की अमरिया तहसील पर विरोध प्रदर्शन को लेकर एकत्रित हुए किसानों ने पंचायत की और पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियों की तरह ही क्षेत्र के नेता गुरजाब सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक अपनी समस्याओं की मांग को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। वहीं किसानों की एक एक चोट का बदला भी लिया जाएगा। बता दें बैठक में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली है, ऐसे में महापंचायत में क्षेत्र से हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। वहीं पंचायत के बाद किसानों ने प्रदर्शन कर हरियाणा मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और वहीं पुलिस ने जल रहे पुतले को छीनने का प्रयास भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी SDM को सौंप दिया गया। बता दें ज्ञापन में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कराने, किसानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले SDM आयुष सिन्हा को निलंबित कर जेल भिजवाने, लाठीचार्ज करने वाले अफसरों को निलंबित कर जेल भिजवाने और तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर निरस्त कर MSP पर फसलों की खरीद कराने की मांग की गई है। पिछले 9 महीने से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 9 महीने से किसान वहां दिल्ली शांत में धरने पर बैठे हैं। मौके की सरकार की ये जो नीतियां हैं उनके खिलाफ, जो आपके जानकारी में है कि काले कानून जो 3 लाए गए हैं उनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसी के संबंधित किसान हरियाणा में करनाल के पास एक टोल प्लाजा पे अपना शांतमयी प्रदर्शन कर रहे थे और हरियाणा की खट्टर सरकार ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए उन पर लाठीचार्ज जो किया है उसमें कई हमारे भाई जख्मी हो गए। एक हमारे काजला जी वहां पर थे वो शहीद भी हो गए हैं। एक हमारे गुरजंट सिंह थे भाई, उनके नाक पे चोट लगने से उनकी एक आँख की नज़र चली गई है, तो उसी का विरोध हम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है आज कि खट्टर सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो बता दें पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर किसानों पर लाठी चार्ज करे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किसानों ने किया। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुतला दहन भी यहां पर किया गया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा था और पुलिस ने पुतला को छीनने की कोशिश भी की पुतले को, लेकिन किसान जो हैं अपनी मांगों पर अड़े रहे। दरअसल बीते दिन की बात की जाए तो हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, इसी को लेकर यहां हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और उसी का विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से किसान नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं और पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुँची तो भी किसानों ने अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जो है वो ख़त्म नहीं किया और ऐसे में लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, क्या कुछ किसानों की मांगे थी, किस चीज को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? जी आपको बताना चाहिए, लगातार जो किसानों का जो प्रदर्शन गाजीपुर बाजार पर जो चल रहा है उसको लेकर ये मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है। अगर सरकार इन किसानों की अगर बात नहीं सुनती है तो इसको लेकर गाजीपुर मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी, जिसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, लोगों को गाजीपुर बाजार जाने के लिए कहा जा रहा था। तो किसान इसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और वही जो हरियाणा में जो लगातार जो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री खट्टर है उनके द्वारा जो है किसानों पर जो है लाठीचार्ज वगैरह जो किया गया है
उसको लेकर ये प्रदर्शन वहां पर लगातार चल रहा था। तो वहां पे ये किसानों ने जो है उनका मुख्यमंत्री का पुतला जो है दहन किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और इनकी जो है नोकझोंक हुई है। पूरा मामला इसी चीज को लेकर के हुआ है ये। बिल्कुल प्रांजल, और किसानों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया, उस ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है? किसानों की तरफ से जो ज्ञापन जो सौंपा गया उसमें किसानों से ने जो है मांग की है कि जो जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो हमारी जो मांग है उनको पूरी की है पूरा किया जाए। बिल्कुल प्रांजल, और ऐसे में 5 सितंबर को महापंचायत भी किसानों की होने वाली है, उसको लेकर किसान जो हैं वो लगातार तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे किसान नेता हैं या छोटे मोटे किसान कह लीजिए, वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि 5 सितंबर को पूरी तरह से तय कर लिया जाएगा कि आगे अब इस आंदोलन में क्या कुछ होगा। जी प्रांजल, तो प्रांजल यही मैं जानना चाह रही थी कि लगातार किसान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि 5 सितंबर को, अब आखिर आगे क्या लगता है आपको कि किस तरह से किसान अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए 9 महीने पूरे हो चुके हैं पहले ही, ऐसे में सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही, अब आगे क्या कुछ रणनीति बनने वाली है? किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 5 सितंबर तक का हमने सरकार को समय दिया हुआ है, 5 सितंबर तक अगर सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती, हमारी काले कानून जो उन्होंने हमारे ऊपर लादे वो वापस नहीं लेती है तो हम जो है बीजेपी सरकार का जो है बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को वोट ना दे इस चीज को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि प्रांजल जिस तरह से किसान पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अब ऐसे में विधानसभा चुनाव भी यूपी में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए 2022 का विधानसभा चुनाव आगामी आने वाला है, चुनाव सर पर है, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो मांग है वो अपनी मांग पूरी करना चाह रहे हैं और अगर इनकी जो मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आगे जो है इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी का बहिष्कार यहाँ पर किसान लोग करेंगे 5 सितंबर तक अगर इनकी मांगे नहीं होती पूरी और बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। जी चलिए प्रांजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन जताया। बीते दिन हरियाणा में किसानों के ऊपर जो बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है किसानों ने, और साथ ही पुतला दहन भी किया और पुलिस भी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बरेली की आंवला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से थाना हाजा क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए हाजा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 4 किलो अफीम भी बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में 2 अभियुक्त कस्बा आंवला के और अन्य 2 युवक झारखंड के हैं, और सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया है कि झारखंड से अफीम लाकर हरियाणा तक वो बेचते थे। ऐसे में SP ग्रामीण का कहना है कि 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर NGPS के तहत कार्रवाई की जा रही है और सभी अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ भी हो रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। थाना क्षेत्र आंवला में 4 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 4 किलो अफीम बरामद हुई है। इनमें से 2 कस्बा आंवला जनपद फरीदपुर बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम कुंवरपाल और ओमपाल हैं। इसके अलावा 2 जो पैडलर हैं वो इनमें से एक लखन मुंडा रांची झारखंड का और दूसरा उदय मुंडा जनपद खूंटी झारखंड का रहने वाला है। इन लोगों ने पूछताछ पर बताया है कि ये अफीम का जो मटेरियल है वो झारखंड से लाते हैं। बस्ती के तहसील हरैया क्षेत्र में वसूही और कुनाहू नदी के उफान से आधा दर्जन गांव में पानी आ गया है।
जिसके चलते ग्रामीण दहशत में हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक गांव में सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं ग्रामीणों की तरफ से जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि गाँव के चारों तरफ पानी भर चुका है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सड़कों का निर्माण न होने के चलते गांव में जनता पानी में चलकर अपने घरों पर पहुंच रही है। अगर सड़कों का जनप्रतिनिधियों की तरफ से निर्माण कराया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गाँव में पानी घुस जाने की वजह से जानवरों के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। जानवर बीमार हो रहे हैं, यहाँ तक कि गाँव में बुखार, खांसी, जुकाम जैसी भयानक बीमारी फैल रही है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर लगातार यूपी के कई जिलों में बारिश होने की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बस्ती में भी कई गांव जो हैं पूरी तरह से पानी की चपेट में आ गए हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है गांवों में। ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण भी लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही के चलते आज ये दिन देखने के लिए मिला है। मामला चल रहा है, यहाँ की जन समस्याएं इतनी भारी भरकम हो गई हैं और यहाँ की प्रशासनिक अमला बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था, नाव की व्यवस्था बढ़ाए और यहाँ की जो जन समस्याएं उसको दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करें। फतेहपुर में मानवता को शर्मसार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल थरियाव थाने के शहजादेपुर गांव में बीती रात गांव के ही 30 साल के लक्ष्मी प्रसाद लोधी ने गांव की ही 70 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ घिनौनी हरकत करते हुए मानवता को शर्मसार कर दिया है। जब पीड़ित महिला प्राथमिक विद्यालय में सो रही थी तभी लक्ष्मी प्रसाद लोधी ने 70 वर्षीय महिला के साथ लूटपाट करते हुए दुष्कर्म किया। महिला के पति की मृत्यु लगभग बता दें 15 साल पहले हो चुकी थी। वहीं पीड़िता की दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बताया ये भी जा रहा है कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक ना होने की वजह से वो अपने मायके में ही रह रही थी और भाइयों के साथ वो अपने रहकर अपना गुजर बसर कर रही है। ऐसे में उसे ये नहीं पता था और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। तो फतेहपुर का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज थाना थरियाव में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। इस संबंध में थाना थरियाव में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब साहब खा पी के शाम के पड़ी रहा हूँ, ताई बुंदिया ला गए। अब साहब भी पियत खात रहे हैं, वहाँ के मोरे लगे पड़ रहा। अच्छा, जब मैं जागा मैं कहूँ करी कौन पर रही जा अपने घर। मेरठ के सरगना पुलिस के साकेब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है पुलिस ने और पुलिस ने इस पूरे मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें पकड़े गए तीनों अभियुक्त सगे भाई हैं। बकायदा एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि सरगना इलाके में साकेब नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासे के लिए कई टीमें लगाई थी, लेकिन पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए अब एक बड़ा खुलासा किया है। एसपी देहात केशव कुमार की माने तो मृतक साकिब की दोस्ती अभियुक्त तालिब से थी और ऐसे में साकिब का तालिब के घर पर आना जाना काफी था। इसी बीच साकिब के संबंध
तालिब के भाई बिलाल उर्फ भोला की पत्नी के साथ हो गए थे और इस बात को आरोपी ने अपने भाई बिलाल को बताया, जिस पर बिलाल ने अपने भाई तालिब आजम और आजम की पत्नी के साथ बैठकर साकिब को मारने की योजना बनाई और बकायदा बिलाल ने अपनी पत्नी से साकिब को बुलवाने के लिए कहा और अभियुक्त अजीम मृतक को नवाबगढ़ी पर लेकर जाकर योजनाबद्ध तरीके से तीनों भाइयों ने मिलकर साकिब की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं साकिब के दोनों हाथ पीछे बांधकर गला रेत दिया गया था और शरीर में काफी बार चाकू से वार किया गया था। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से घटना के टाइम पहने कपड़े और छुरी को अलग अलग जगह पर छुपा दिया गया था। थाना क्षेत्र सरधना में 25/8 को साकिब नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी। तत्काल ससंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 567/21। घटना का सफल अनावरण थाना पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें तीन व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बिलाल उर्फ भोला है, दूसरे का नाम तालिब है और तीसरे का नाम अजीम है। ये तीनों भाई हैं, इनके द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई है। मेरठ की सरधना पुलिस ने साकिब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तीन भाइयों को गिरफ्तार किया है। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले योजना बनाई और फिर साकिब की हत्या कर दी। दरअसल मृतक साकिब के संबंध आरोपियों के एक बीवी से थे, यानी कि एक आरोपी जो इनमें शामिल है उसकी बीवी से साकिब के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर के साकिब की हत्या की गई। पुलिस ने अलाय कत्ल भी बरामद किया है, लेकिन हैरत की बात यह है जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है इस आरोपी ने पहले भी इसी प्रकार से अपनी बीवी के साथ अवैध संबंधों के चलते एक मौसी नाम के शख्स की हत्या की थी। यानी कि एक ही शख्स ने अपनी बीवी से अवैध संबंधों के चलते दो लोगों की हत्या कर दी। पहले की जेल चला गया और अब दोबारा हत्या की, तब भी जेल चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो आरोपी हैं, जो मानसिक तौर पर कह सकते हैं बीमार हो चुके हैं या छोटी सी बात पर हत्या कर देते हैं, पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं, कानून को बोना समझते हैं। सीधे तौर पर अगर ऐसी कोई बात थी तो आरोपी पुलिस के पास जा सकते थे और अपनी बीवी के साथ जो गलत हो रहा था उसको बता सकते थे, लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं किया। महिला सहित कुल तीन लोगों ने योजना बनाई और तीनों भाइयों ने मिलकर साकिब की हत्या कर दी। लेकिन अब देखना यह भी होगा जिस तरीके से साकिब की हत्या की गई है, उस साकिब का परिवार टूट चुका है, आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन भविष्य में पुलिस इस तरह के लोगों को किस तरीके की नसीहत देगी, क्योंकि पहले भी एक ऐसी हत्या की और अब दोबारा भी उसी प्रकार की हत्या करने के बाद इस घटना को दोहराया। मेरठ से मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ रोड इंडिया। सहारनपुर के देहात थाना कोतवाली क्षेत्र में मोनून जहाज नाम का सहारनपुर के सबसे बड़े शराब तस्कर ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर एक शपथ पत्र दिया और कहा कि सर अब मैं कभी कोई भी अवैध काम नहीं करूंगा। जिसके बाद थाना देहात कोतवाली पुलिस और आबकारी इंस्पेक्टर उपेंद्र ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि अगर आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तो हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मोनू जहाज नाम का व्यक्ति काफी समय से शराब तस्करी का कारोबार करता आ रहा है और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी थाने में दर्ज हैं और 2 दिन पहले ही जेल से छूटकर वो आया है। जिसके बाद अब मोनू जहाज ने थाने में पहुंचकर एक शपथ पत्र दिया और कहा कि सर अब मैं कभी भी कोई भी अवैध काम नहीं करूंगा। एक थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मोनू जहाज नामक का शराब माफिया है और अगर ये जनपद सहारनपुर की बात करेंगे सबसे बड़ा शराब माफिया मोनू जहाज है और जो अभी जेल में था, 1-2 दिन पहले ही जमानत पर लौटा है। कुछ दिन पहले गैंगस्टर के अंतर्गत उसके जो संपत्ति थी उसको भी जब्त की गई थी। कल पूरे परिवार के साथ कोतवाली देहात में आके एक तरह से सरेंडर किया और कहा कि हम अपराध अब नहीं करेंगे, अपराध की दुनिया अब हम छोड़ रहे हैं। सहारनपुर में पहले शादी के लिए भगा कर ले गए और फिर 2 दिन बाद ही लड़की का शव जंगलों में मिला। जी हां, पूरा वाक्य सोनिया नाम की लड़की के साथ घट चुका है। सोनिया जो सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के क्षेत्र पिलखनी
जयंतीपुर में अपने परिवार के साथ रहती थी। बीती 17 तारीख को अचानक घर से गायब हो गई, जिसके बाद उसके पिता तेजपाल सैनी की तरफ से थाना बिहारीगढ़ में उसकी सूचना दी गई थी और पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई और धारा 367 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद अचानक 22 अगस्त को अन्य जिलों के थाना तितावी क्षेत्र में जंगलों में एक महिला का शव मिला था और उसके बाद उस लड़की की फोटो वायरल हो जाती है और वायरल फोटो में सोनिया के पिता की तरफ से सोनिया की पहचान की गई, जिसके बाद थाना बिहारीगढ़ पुलिस उसके पिता को ले जाकर थाने तितावी में मृतक महिला के कपड़ों से उसकी पहचान करा ली गई और जिसके बाद बता दें सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में हत्या की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर हत्यारों की तलाश की गई। तो कल यानी कि 29 अगस्त की बात की जाए तो 29 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान सुंदरपुर तिराही से 3 अभियुक्तों को राम सिंह, भगवान सिंह और धर्मवीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में सारा मामला खुलकर सामने आ गया। वही बता दें पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक और उन्होंने बताया है कि भगवान सिंह और धर्मवीर सिंह राम सिंह से शादी करने को लेकर इस लड़की को लेकर वो गए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही लड़की ने अपने घर वापस जाने की जिद की तो भगवान सिंह और धर्मवीर सिंह को लगा कि उसकी सारी बात खुल जाएगी, जिसके चलते तीनों ने उस लड़की को घर वापस लाने के बहाने रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। बाराबंकी जिले में असंदुरा थाना क्षेत्र में 2 युवतियां घर से कुछ सामान लेने के लिए चौराहे पर आई थी। सामान लेने के बाद वो दोनों साइकिल से वापस घर जा रही थी कि तभी इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दोनों युवतियों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवती ट्रक में फंस गई और दूसरी दूर जाकर गिरी। बता दें ट्रक में फंसी युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही युवतियों के घर में कोहराम मच गया और सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।